हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर प्रशासन हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर प्रशासन हाय हाय, नगर प्रशासन हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। भैया यहाँ पे मार्टिनल बीच के पास में एक शौचालय स्थित है, सार्वजनिक शौचालय। इसकी स्थिति पिछले 2 वर्षों से बहुत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पे इन्होंने आधे फीट का एक गड्ढा खोद रखा है जिसके लिए इसका जिसका रास्ता जो है पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुका है। वहीं से इसका निकास होता है। थोड़ी सी बारिश होती है, बारिश के पानी से वो टैंक फुल हो जाता है और टॉयलेट से ही फुल हो जाता है। उसके बाद ये पूरा रूप में यहाँ पे रोड में आप देख रहे हो जिस तरीके से फैल जाता है। हालत ये है कि यहाँ से टॉयलेट बहता बहता पूरे दुकानों के सामने आ जाता है। परेशान है दुकानदार, सारे के सारे यहाँ पे पूर्ण रूप से परेशान है। नगर निगम में भी शिकायत करी, 2 बार लिखित में देके आए, वहाँ पे फोन करते हैं। इसके अलावा हमने राजस्थान सरकार के जो सहायता नंबर है उस पर भी कंप्लेन दर्ज कराई, जिसका कंप्लेन नंबर है 06190525806758। 21 जून को मैंने ये कंप्लेन दर्ज कराई थी। उसके बाद 7 अगस्त को मेरे पास फोन आता है कि ये जो आपकी कंप्लेन है ये पूर्ण रूप से क्लोज कर दी गई है, इसका निवारण कर दिया गया है। जबकि यहाँ पे कोई अधिकारी अभी तक जांच तक के लिए नहीं आया है। आधे फीट के गड्ढे में यहाँ पे टॉयलेट का इन्होंने निकास कर रखा है। जहाँ एक और ये लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं बनाने की, वहीं यहाँ पे सफाई के नाम पे इस तरीके से हालत हो रखी है। हालत ये है कि यहाँ पे सबके सब बीमारी से जूझ रहे हैं, सबको बदबू से बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं होता। नगर निगम में भी हम लोगों ने वहाँ पे लिखित में बात करी थी, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराई थी, एप्लीकेशन दी थी, मगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। स्मार्ट सिटी घोषित हो गया ना, अजमेर स्मार्ट सिटी घोषित हो गया, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे, स्वच्छता के अभियान के नाम पे यहाँ पे हालत ये है कि मूत्र जो है ये पूर्ण रूप से बाहर फैल रहा है। जहाँ तो ये लोग एक तरीके कहते हैं कि भाई खुले में शौच मत करो, और वहीं शौच खुले में बह रहा है इनका। ये शौचालय सर मार्टिनल ब्रिज के पास में जो स्टेशन रोड है हमारा, मुख्य रोड है, जो मुख्य रोड पे ये शौचालय बना हुआ है। सर इसके खिलाफ अब ये होगा कि प्रशासन के खिलाफ हम लोग बिल्कुल एक तरीके से आंदोलन चला देंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से ये स्थिति बनी हुई है। 2 साल से यहाँ पे कोई निवारण नहीं हो रहा, कोई अधिकारी सुनने को नहीं आता। एक बार तो ये शौचालय पूर्ण रूप से बनाओ, इसको खोद के ढंग से, इसका सही रूप से आप टेंडर दो। टेम्पररी इसका काम नहीं होना चाहिए, परमानेंट काम होना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। आपका नाम? आशीष नाम है।